हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत हाफ स्लीव में डिज़ाइन लेकर आए हैं। दोस्तों, आप इस डिज़ाइन को किसी भी ब्लाउज में या कुर्ती में बना सकते हैं, क्योंकि इस डिज़ाइन का जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आने वाला है। तो दोस्तों, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पर दो कलर की मैचिंग यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि एक तो हमारी आस्तीन की मैचिंग हो गई और दूसरी हमने यहाँ पर एक ये ले रखी है। आप अगर चाहें तो कोई भी अच्छा सा कलर ले सकते हैं। और दोस्तों, इस डिज़ाइन को जो बिगनर्स हैं वो भी हमारी इस वीडियो को देखकर काफ़ी आसानी से ये स्लीव डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए अपना आज का ये डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर अपनी एक आस्तीन ली हुई है। इसमें हम कैसे कैसे डिज़ाइनिंग करेंगे ध्यान से देखना। हमने जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा हुआ है, इस मार्जिन के लिए हमने यहाँ पर एक मार्क भी लगाया। ये मार्क सेम हमें अपनी दूसरी वाली साइड पर चाहिए। तो इसके लिए हम अपनी आस्तीन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिस तरह हमने कटिंग की है। और इसके बाद हल्के हल्के यहाँ पर हाथ मारेंगे, जिससे हमारा निशान दूसरी तरफ आसानी से छप जाएगा। ये देखिए, ये हमारा निशान दूसरी साइड पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों, आपको करना ये है, आपकी आस्तीन का जो सेंटर है, बीच सेंटर, वो आपको प्रेस से क्रीज बना लेनी है। तो यहाँ पर हमारी क्रीज बनी हुई है, इसको हम बीच सेंटर से काट देंगे। ये देखिए, ये हमने अपनी आस्तीन को बीच सेंटर से कट कर दिया है। इसके बाद आपको करना ये है, अपने मैचिंग कपड़े को ले लेना है। तो अब मैचिंग कपड़े को किस प्रकार से काटेंगे ध्यान से देखना। हम अपने मैचिंग कपड़े की जो चौड़ाई काटेंगे वो काटेंगे 2 इंच, मतलब कि 2 इंच। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी 2 इंच चौड़ी पट्टी कट गई है। अब हम अपनी आस्तीन में पट्टी को किस तरीके से अटैच करेंगे, चलिए मशीन पर बताते हैं। तो दोस्तों, कैसे आप अपनी पट्टी को आस्तीन में अटैच करेंगे ये चीज ध्यान से देखना। हम अपनी आस्तीन के दोनों पार्ट को इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद देखिए, उल्टा हिस्सा हमारे दोनों पार्ट का नीचे है। तो ये वाले पार्ट को हम सबसे पहले लेंगे और उसे उल्टा करेंगे, और ये वाला पार्ट जो है हम अपना सीधा रखेंगे ऊपर की तरफ। ये पार्ट सीधा है, उल्टे पार्ट को हम अपनी आस्तीन का, ये उल्टा पार्ट है, इस तरीके से रखेंगे बिल्कुल मिलाकर। और मिलाकर रखने के बाद में 1/4 इंच चौड़ी सिलाई लगाएंगे। ये हमने अपनी 1/4 इंच चौड़ी सिलाई लगा दी है। इसके बाद जो ये मार्जिन है, इसका एक भाग हम इधर की तरफ बांट देंगे और एक भाग इधर की तरफ बांट देंगे, और बांटने के बाद नाखून से इस तरीके से इसे चीर देंगे। ये देखिए, ये हमारा दो भाग में मार्जिन बट गया है, एक इधर और एक इधर। इसके बाद इसको हम इस तरीके से सीधा करेंगे। अब ये हमारा सीधा भाग है। इसके बाद आप अपने दूसरे वाले भाग को लेंगे, आस्तीन का जो दूसरा भाग है, इसका ये भाग उल्टा है, तो उल्टे भाग को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, नीचे वाला सीधा और ऊपर वाला ऊपर की तरफ उल्टा। ये देखिए, इसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे, और मिलाने के बाद में 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों, इसको भी हम इस तरीके से खोलेंगे, और खोलने के बाद में इसका भी मार्जिन एक भाग इधर और एक भाग कर देंगे इधर। ये देखिए, ये हमने एक भाग इधर और एक भाग इधर कर दिया है। इसके बाद देख रहे हैं आप, हल्का सा कपड़ा इधर एक्स्ट्रा निकला हुआ है और इधर ज़्यादा निकला हुआ है, तो इस एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल बराबर कर देंगे। अब इसके बाद चलिए काउंटर पर इसमें और भी डिज़ाइनिंग करनी है, वो हम आपको बताते हैं। तो इसमें और भी ज़्यादा डिज़ाइन करने के लिए आपको अपनी आस्तीन को सीधा रखना होगा, और सीधा रखने के बाद में जो ये आपने जॉइंट लगाया है, इस जॉइंट से 2-1/4 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना होगा, मतलब कि 1.25 इंच पर। तो जैसे निशान हमने यहाँ पर लगाया, वैसे ही एक सेम निशान इधर वाली साइड पर भी लगा लेंगे, इस जॉइंट से इधर की तरफ। और लगाने के बाद में दोस्तों, हम यहाँ से इनकी सेम कटिंग कर देंगे मार्क पर। और कटिंग करने के बाद में देखिए दोस्तों, इनकी जो गैपिंग है वो कुछ इस प्रकार से बना लेनी है आपको। और बनाने के बाद में आपको जैसे ये वाली 2 इंच चौड़ी पट्टी काटी थी, वैसे ही सेम 2 इंच चौड़ी पट्टियाँ ये हमने काट ली हैं, जो कि हम यहाँ पर फिट करने वाले हैं। चलिए मशीन पर।
देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी फिनिशिंग से हमारी तीनों पट्टियाँ जुड़ गई हैं, और जुड़ने के बाद में देखिए नीचे की तरफ जो हमारा मार्जिन है वो अच्छी तरीके से फिनिश हो गया है। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें अच्छी डिजाइनिंग करने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखना, आपको अपना ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट आपस में इस तरीके से मिलाना है। मतलब कि मिलाने के लिए आपको इस तरीके से इसको फोल्ड करना होगा, और फोल्ड करने के बाद में नीचे से 1 इंच पर एक निशान लगाना होगा। ये देखिए ऐसे ही दोस्तों आपको ऊपर से नीचे की तरफ भी 1 इंच पर मार्क लगाना होगा। इस तरीके से हम अपनी तीनों पट्टियों को आपस में मिलाकर मार्क लगा लेंगे 1-1 इंच पर। तो ये हमने अपनी तीनों पट्टियों पर 1-1 इंच के मार्क लगा दिए हैं। इसके बाद चलिए मशीन पर बताते हैं क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों निशान लगाने के बाद में आपको इसमें क्या करना है, इस तरीके से आपको अपने जॉइंट से जॉइंट को अच्छी तरीके से मिला देना है, और मिलाने के बाद में आपको यहाँ से सिलाई टांकी बांधकर शुरू करनी है और यहाँ पर लाकर टांकी बांध के रोक देनी है। और इसके बाद दोस्तों आपको अपनी मशीन को क्या करना है, यहाँ पर लाकर रखना है, मतलब ये निशान लगाया है, और यहाँ पर टांकी बांधने के बाद में पूरी सिलाई को उतारते समय टांकी बांध देनी है। बस इस बात का खास ध्यान रखना है आपके जो जॉइंट हैं वो आपस में एक दूसरे से सही से मिल जाएं। तो देखिए यहाँ पर हमने अपनी सिलाई लगा दी है, और इसी तरीके से हम अपने तीनों भाग पर इसी तरीके से सिलाई सेम लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों काउंटर पर बताते हैं हमारी आस्तीन का जो लुक है वो कैसा आ गया है। तो देखिए दोस्तों आस्तीन को सीधा करने के बाद में आपकी आस्तीन का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। लेकिन इस लुक को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, येलो वाले कपड़े को ऊपर की तरफ इस तरीके से निकालना है तीनों भाग में, और निकालने के बाद आपको अपनी आस्तीन को अच्छी तरीके से सेट करना है। ये हमने सेट कर लिया है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ की तरफ हम येलो कलर की एक पाइपिंग लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों पाइपिंग लगाने के बाद में हमारी आस्तीन का जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये डिज़ाइन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।